ठीक है सर। तो आज हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्बो कॉम्बो बॉक्स के बारे में। हमने लास्ट क्लासेस में कॉम्बो बॉक्स आपको पढ़ाया था, और कॉम्बो बॉक्स में मैं बताया था कि डिपेंडेंट कॉम्बो बॉक्स बनाने के लिए, लेकिन आप लोगों ने बना के मुझे नहीं भेजा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि डिपेंडेंट कॉम्बो बॉक्स कैसे बनता है। उसके लिए सबसे पहले हम डेटा लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए सिटी का डेटा है, सिटी ये हमारा एरिया है और ये हमारा पिन है, मान लीजिए पिन कोड है। तो सिटी को हम यहां से लेते हैं, सिटी कोड है, मतलब सिटी जो भी है इसको हम यहां पे पेस्ट करते हैं। उसके बाद हम एरिया के लिए, अब एरिया के हो सकता है अलग अलग हो, लेकिन हम यहां पे एरिया 1 2 3 कर देते हैं। एरिया 1 2 3 स्टार, और पिन नंबर भी 1100062, और इसी में +1 कर देते हैं। अब मैं अपने कॉम्बो बॉक्स पे जो हमारा यूजर फॉर्म है उसमें हम डिजाइन करते हैं, यूजर फॉर्म, और यहां पे हम तीन कॉम्बो बॉक्स लेंगे। और एक और, तीनों को सेलेक्ट करते हैं और यहां इंसर्ट या फॉर्मेट में, फॉर्मेट मेक ए सेम साइज, इसकी हाइट हम तीनों को सेम कर देते हैं, और फिर इसको अलाइन अलाइन हमने टॉप मिडल बॉटम बॉटम करते हैं ताकि तीनों एक जैसा अलाइन हो जाए। सिलेक्ट नहीं था इसलिए। अब यहां पे टेक्स्ट बॉक्स डालते हैं और यहां देते हैं यहां पे सिटी, और फिर इसको हम यहां से सेलेक्ट करते हैं, सिटी के जगह एरिया और फिर यहां पे सेलेक्ट करते हैं एरिया की जगह पे पिन नंबर। अब सबसे पहले मैं इसमें सिटी लेके आता हूं। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसमें सिटी कई बार रिपीटेड है, तो यहां पे सिर्फ एक बार आना चाहिए। तो उसके लिए हम यहां पे डबल क्लिक करते हैं और यूजर फॉर्म इन स्लाइड पे जाते हैं, इन स्लाइड, और यहां देते हैं कि डिम न्यू डिम, मान लीजिए कि सिटी एज ए न्यू कलेक्शंस, और सिटी डॉट एड, और यहां पे आइटम देना होता है सेल्स i,1.value, और इसको हम देते हैं सी एस टी आर, इसमें देते हैं सेल्स i,1.value। और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, और इसमें हमें लूप लगाना पड़ेगा कि फोर आई इक्वल टू, चले 2 2 रेंज ए 65,000 या जो भी 10 लाख है, एंड
डॉट एक्सेलस अप डॉट रो और फिर नेक्स्ट। लेकिन इसमें एरर आने के चांसेस हैं, तो इसके लिए हम करेंगे ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। तो ये न्यू कलेक्शन क्या करता है कि न्यू कलेक्शन एक डेटा टाइप है, जैसे कि बाकी डेटा टाइप होता है। बस इसका बेनिफिट क्या है कि एक बार में ये डुप्लीकेट वैल्यू को असाइन नहीं करता, ये कई सारे वैल्यू को, मतलब कि इस अपने अंदर कई सारे वैल्यू को स्टोर करता है, लेकिन दो वैल्यू सेम डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर नहीं करता। जैसे डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर करोगे तो एरर शो करता है, इसलिए यहाँ पे हमने ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट किया। फोर मैंने यहां पे फिर लगाया, फोर इच आइटम इन सिटी, और हमने बोला मी डॉट कॉम्बो वर्क्स वन डॉट एड आइटम इक्वल टू आइटम और फिर नेक्स्ट। ये हुआ क्योंकि ये एरर एरे है, इसमें कई सारे वैल्यू होते हैं, इसलिए हम फोर इच लगाते हैं कि जितनी आइटम ऐड हुई है उतना यहां पे दिखेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि इस पे जो सिलेक्ट हुआ है इसमें, तो हम इस पे डबल क्लिक करते हैं और हम बोलते हैं कि जब ये आपका कॉम्बो बॉक्स वन चेंज हो तो कॉम्बो बॉक्स टू की वैल्यू पे डेटा आ रहा है। और सेम चीज मैं इसी को कॉपी करता हूं, यहां पे सेम चीज रहेगी, बट यहां ए की जगह ए ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और यहां पे आई है, ये वन के जगह टू हो जाएगा और यहां भी टू हो जाएगा, लेकिन हमें कंडीशन भी मैच करनी है। तो कंडीशन यह है कि इफ सेल्स आई, यहां पे आई कॉमा वन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू मी डॉट कॉम्बो वर्क्स वन डॉट वैल्यू, देन इसको ऐड करें एंड। बस छोटी सी कंडीशन है। और फिर हमने बोला कि कॉम्बो वर्क्स टू एरिया, जो एरिया बन एरिया को जब कोई चेंज करे तो पिन नंबर एक्टिवेट हो, तो एक कॉम्बो वर्क्स टू में होगा। और यहां भी हम जो कंडीशन यहां अप्लाई किए हैं वही सेम कंडीशंस हम यहां अप्लाई करेंगे, लेकिन यहां पे कॉमबॉक्स टू डॉट आइटम करना चाहिए। हाँ, और यहां पे टू के जगह पे थ्री हो जाएगा क्योंकि तीसरा कॉलन है, थ्री हो जाएगा। और यहां पे कंडीशन जो हम दिए हुए हैं, कहाँ गए कंडीशन, ऊपर आई थिंक, जो हमने कंडीशन दिया है एक कंडीशन में तीसरी कंडीशन भी ऐड हो जाएगी क्योंकि इसमें दो कंडीशन चेक करने हैं ना, दो कंडीशंस। और यहां पे हम करेंगे एंड एंड, और फिर वापस इसको हम कॉपी करते हैं और यहां पे एंड के बाद हम पेस्ट करेंगे। सॉरी, और ए वन की जगह पे टू हो जाएगा और ये हमारा कॉम्बो बॉक्स टू होगा। और फिर हम यहाँ पे देन, और यहां पे हम करेंगे एंड इफ, और नीचे कॉम्बो बॉक्स थ्री डॉट एड होगा। अब मैं इसको प्ले करता हूं कि मैं यहां पे देखिए ये आ गया सिटी। अब देखिए कोई रिपीटेड नहीं है, मैंने दिल्ली को सेलेक्ट किया। अब यहां पे देखिए दिल्ली की एरिया है, जो दिल्ली की एरिया हमने सेलेक्ट किया, तो यहां पे देखिए दिल्ली का ही पिन कोड है। तो एक बार और समझिए कि मैंने इसको कैसे किया। सबसे पहले हमने हमारा जो मेन क्या है, सबसे पहला मेन है हमारा सिटी, तो उसके लिए हमने यूजर फॉर्म इनिशियलाइज किया कि जैसे यूजर फॉर्म इनिशियलाइज हो तो उस कॉम्बो बॉक्स में ये चीज ऐड हो जाए। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमारे डेटा में सिटी जो है कई बार रिपीटेड है, हो सकता है कि एरिया भी रिपीटेड हो। तो मैंने बोला कि भाई यूनिक ही लेना है, इसलिए हमने यहां पे एक नया डेटा टाइप न्यू कलेक्शन का इस्तेमाल किया। और हमने बोला कि आई मतलब कि जितना डेटा है उसको एक एक करके
सीटी पे जो न्यू कलेक्शन में उसमें ऐड करो, क्योंकि सीटी एक एरे डेटा टाइप है, तो एक से ज्यादा डेटा टाइप को इसमें ऐड किया जा सकता है। लेकिन इसमें ऐड करने का तरीका होता है कि ऐड वैल्यू, और उस वैल्यू को आपको एसटीआर में स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर होगी तो एरर देगा, इसलिए हमने यहाँ पे ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट लिया है। और फिर जो आइटम सिटी पे ऐड हुई है उसको वापस कॉम्बो बॉक्स में भी डालना है। तो यहाँ पे हमने लगाया कंडीशन फॉर ईच आइटम इन सिटी, और कॉम्बो बॉक्स में इसको ऐड कर दिया, एक एक करके सारा आइटम इसमें ऐड कर देगा। अब सेम कंडीशन मुझे कॉम्बो बॉक्स टू के लिए भी चलानी, मतलब एरिया के लिए चलानी है। लेकिन इसमें चेक एक करना है कि जो हम कॉम्बो बॉक्स को ऐड कर रहे हैं, मतलब जो वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं कॉम्बो बॉक्स थ्री के लिए या टू के लिए, यहाँ पे ऊपर है टू के लिए, वो उसकी जो सिटी है वो इक्वल टू होनी चाहिए कॉम्बो बॉक्स वन में सेलेक्ट की गई सिटी से। तो इसलिए मैंने लिखा सेल्स आई कमा वन की वैल्यू इक्वल हो कॉम्बो बॉक्स वन की वैल्यू, तभी ऐड करे, अदरवाइज ऐड ना करे। तो जो वैल्यू होगी उसी को ऐड करेगा, अदरवाइज ऐड नहीं करेगा। और सेम थिंग हमारा पिन कोड में भी था कि पिन कोड में सिटी को भी मैच करना है और एरिया को भी मैच करना है। तो मैंने बोला कि अगर कॉम्बो बॉक्स सेल वन की वैल्यू, कॉलम ए की वैल्यू अगर वो कॉम्बो बॉक्स वन मतलब कि सिटी से है, और कॉलम बी की वैल्यू अगर इससे कॉम्बो बॉक्स टू मतलब कि एरिया से है, तो पिन नंबर को ऐड करें, अदरवाइज ऐड ना करें। तो समझ में आया चीज आप लोगों को? विकास जी और संदीप जी, इसी को बोलते हैं डिपेंडेंट यस सर। कॉम्बो बॉक्स या लिस्ट बॉक्स, इसको हम लिस्ट बॉक्स तो भी कर सकते हैं। इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि क्या ये एक्सेल वर्कशीट पे भी इस्तेमाल हो सकता है। क्योंकि याद होगा मैंने जब आपको नेमिंग मेथड या सिखाया था डेटा वैल्यूएशन, तो मैंने बताया था इसको फॉर्मूले के थ्रू किया जा सकता है। क्या विदाउट इसके मैंने बीवीए के थ्रू भी यहाँ पे किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे कल की क्लास में। ओके ठीक है? सर। फाइल भेजना। हाँ बिल्कुल, अभी फाइल आप लोगों को दे देता हूँ। फिर हम कल इस पर डिस्कस करेंगे, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा सर।